भक्तों, आज हम आपको बताते हैं नवग्रहों की महिमा। लेकिन आज हम तीन ग्रहों के बारे में ही आपको कुछ विशेष बातें बताएंगे। सूर्य, चंद्रमा एवं मंगल। सूर्य देव की दो भुजाएं हैं, वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित हैं। उनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में रत्नों की माला है। उनकी कांति कमल के भीतरी भाग की सी है और वे सात घोड़ों के रथ पर आरूढ़ रहते हैं। सूर्य देवता का एक नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला। सविता सर्वस्य प्रसविता। ऋग्वेद के अनुसार आदित्य मंडल के अंत स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक, अंतर्यामी तथा परमात्मा स्वरूप हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य ब्रह्म स्वरूप है। सूर्य से जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में स्थित है। सूर्य सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है। यही भगवान भास्कर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। सूर्य नव ग्रहों में सर्व प्रमुख देवता है। जब ब्रह्मा अंड का भेदन कर उत्पन्न हुए, तब उनके मुख से ओ ये महाशब्द उच्चरित हुआ। ये ओंकार पर ब्रह्म है और यही भगवान सूर्य देव का शरीर है। ब्रह्मा के चारों मुखों से चार वेद आविर्भूत हुए, जो तेज से उदीप्त हो रहे थे। ओंकार के तेज ने इन चारों को आवृत कर लिया। इस तरह ओंकार के तेज से मिलकर चारों एकीभूत हो गए। यही वैदिक तेजोमय ओंकार स्वरूप सूर्य देवता हैं। ये सूर्य स्वरूप तेज सृष्टि के सबसे आदि में पहले प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम आदित्य पड़ा। एक बार दैत्यों, दानवों एवं राक्षसों ने संगठित होकर देवताओं के विरुद्ध युद्ध ठान दिया और देवताओं को पराजित कर उनके अधिकारों को छीन लिया। देव माता अदिति इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर अदिति के गर्भ से अवतार लिया और देव शत्रुओं को पराजित कर सनातन वेद मार्ग की स्थापना की, इसलिए भी वे आदित्य कहे जाने लगे। भगवान सूर्य का वर्ण लाल है, इनका वाहन रथ है। इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ में मास स्वरूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया और 3 चौमासे रूप 3 नाभियां हैं। इनके साथ 60,000 बालखिल्य स्वस्ति वाचन और स्तुति करते हुए चलते हैं। ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता सूर्य नारायण की उपासना करते हुए चलते हैं। चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश इनके मुख्य अस्त्र हैं। भगवान सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। इनकी महादशा 6 वर्ष की होती है। सूर्य की प्रसन्नता और शांति के लिए नित्य सूर्य अर्घ्य देना चाहिए और हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए, माणिक्य धारण करना चाहिए तथा गेहूं, सवत्सा गाय, गुड़, तांबा, सोना एवं लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो भक्तों,
अभी आपने सूर्य ग्रह की महिमा सुनी, अब चंद्रमा ग्रह की महिमा का श्रवण करें। चंद्र देव का वर्ण गौर है। इनके वस्त्र अश्व और रथ तीनों श्वेत हैं। ये सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में मोतियों की माला है। इनके एक हाथ में गदा है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। श्रीमद् भागवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र हैं। इनको सर्वमय कहा गया है। ये 16 कलाओं से युक्त हैं। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान कहा जाता है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने इन्हीं के वंश में अवतार लिया था, इसीलिए वे चंद्रमा की 16 कलाओं से युक्त थे। चंद्र देवता ही सभी देवता, पितर, यक्ष, मनुष्य, भूत, पशु पक्षी और वृक्ष आदि के प्राणों का आप्यायन करते हैं। प्रजा पितामह ब्रह्मा ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया था। इनका विवाह अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ। ये 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानी जाती हैं। महाभारत वन पर्व के अनुसार चंद्रदेव की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न हैं तथा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। इस तरह नक्षत्रों के साथ चंद्र देवता परिक्रमा करते हुए सभी प्राणियों के पोषण के साथ साथ पर्व, संधियों एवं विभिन्न मासों का विभाग किया करते हैं। पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय तांबे के बर्तन में मधु मिश्रित पकवान यदि चंद्रदेव को अर्पित किया जाए तो इनकी तृप्ति होती है। उससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव सभी कष्टों से त्राण दिलाते हैं। इनकी तृप्ति से आदित्य, विश्वेदेव, मरुदग्न और वायुदेव तृप्त होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार चंद्रदेव का वाहन रथ है। इस रथ में 3 चक्र होते हैं। 10 बलवान घोड़े जुते रहते हैं। सब घोड़े दिव्य, अनुपम और मन के समान वेगवान हैं। घोड़ों के नेत्र और कान भी श्वेत हैं। वे शंख के समान उज्ज्वल हैं। चंद्र देवता की अश्वनी, भरणी आदि 27 पत्नियां हैं। इनके पुत्र का नाम बुध है, जो तारा से उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा के अधिदेवता अप और प्रत्यधिदेवता उमा देवी हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष की होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी हैं। इन्हें नक्षत्रों का भी स्वामी कहा जाता है। नव ग्रहों में इनका दूसरा स्थान है। चंद्रदेव की प्रतिकूलता से भौतिक रूप से मनुष्य को मानसिक कष्ट तथा श्वास आदि के रोग होते हैं। इनकी प्रसन्नता और शांति के लिए सोमवार का व्रत, शिवोपासना करनी चाहिए तथा मोती धारण करना चाहिए। चावल, कपूर, सफेद वस्त्र, चांदी, शंख, वंशपात्र, सफेद चंदन, श्वेत पुष्प, चीनी, बैल, दही और मोती ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तो भक्तों, ये थी चंद्रमा ग्रह की महिमा। और अब श्रवण कीजिए मंगल ग्रह की महिमा का। मंगल देवता की 4 भुजाएं हैं। इनके शरीर के रोएं लाल हैं। इनके हाथों में क्रम से अभय मुद्रा, त्रिशूल, गदा और
वर मुद्रा है। इन्होंने लाल मालाएं और लाल वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट है तथा ये मेघ के वाहन पर सवार हैं। वाराह कल्प की बात है, जब हिरण्यकशिपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया था और पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया तथा हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी देवी का उद्धार किया। उस समय भगवान को देखकर पृथ्वी देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उनके मन में भगवान को पति रूप में वरण करने की इच्छा हुई। वाराह अवतार के समय भगवान का तेज करोड़ों सूर्यों की तरह असह्य था। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी की कामना पूर्ण करने के लिए भगवान अपने मनोरम रूप में आ गए और पृथ्वी देवी के साथ दिव्य एक वर्ष तक एकांत में रहे। उस समय पृथ्वी देवी और भगवान के संयोग से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार विभिन्न कल्पों में मंगल ग्रह की उत्पत्ति की विभिन्न कथाएं हैं। पूजा के प्रयोग में इन्हें भरद्वाज गोत्र कहकर संबोधित किया जाता है। ये कथा गणेश पुराण में आई है। मंगल ग्रह की पूजा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। ये प्रसन्न होकर मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूर्ण करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार मंगल व्रत में ताम्र पत्र पर भोम यंत्र लिखकर तथा मंगल की स्वर्णमयी प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पूजा करने का विधान है। मंगल देवता के नामों का पाठ करने से ऋण से मुक्ति मिलती है। ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि ये वक्र गति से न चलें तो एक एक राशि को तीन तीन पक्ष में भोगते हुए 12 राशियों को डेढ़ वर्ष में पार करते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए शिव उपासना तथा प्रवाल रत्न धारण करने का विधान है। दान में तांबा, सोना, गेहूं, लाल वस्त्र, गुड़, लाल चंदन, लाल पुष्प, केशर, कस्तूरी, लाल वृषभ, मसूर की दाल तथा भूमि देना चाहिए। मंगलवार को व्रत करना चाहिए तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इनकी महादशा 7 वर्षों तक रहती है।